किस हालत में लेके आए थे, क्या स्थिति है उनकी? और शुरुआत में बताया गया था उनको गाड़ी का टैग आया, लेकिन बाद में पता चला कि और कुछ दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई थी, अभी इसकी स्थिति कैसी है? हमारे पास ये इतना ही थी कि उनको घर पे घबराहट हुई है और साथ में उनको कुछ काफ़ी वॉमिटिंग हुई, उल्टी हुई, तो उनको इमरजेंसी लाया गया। जब इमरजेंसी लाया गया तो उनका जब इनिशियल जो चेकअप किया गया उसमें उनके जो सबसे पहले ये ख्याल आया कि शायद ये हार्ट की प्रॉब्लम थी, लेकिन हार्ट के टेस्ट किए गए तो करीब करीब सारे नॉर्मल थे। और साथ में ये भी था कि कुछ उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, ऐसा बताया गया। उनकी हिस्ट्री जब दी गई तो बताया गया कि उनको पहले भी ब्रोंकियल अस्थमा की प्रॉब्लम रही है, और ये मानते हुए कि शायद उनको ब्रोंकियल अस्थमा का एक्यूट अटैक हुआ है, तो उसके लिए फिर हमने हमारे जो विशेषज्ञ हैं मेडिसिन के, जो हेड डिपार्टमेंट डॉक्टर सुधीर मेहता को कॉल किया गया और उन्होंने आके उनको देखा एंड उनको फिर आईसीयू शिफ्ट किया। अभी जो इनिशियल ट्रीटमेंट दिया गया है उसके बाद फिलहाल वो स्थिर है। जब आए थे तो इवेंट जो हुआ है, घर में खाना खा रहे थे, वो खाना खाते खाते कोई मोबाइल फ़ोन आया तो फ़ोन भी सुन रहे थे। तो बहुत बार क्या होता है, जब खाना खाते खाते बात भी कर रहे होते हैं ना, तो फूड पार्टिकल अंदर ट्रेकिया में चले जाते हैं एयरवे में, तो वो थोड़ा सा फूड पार्टिकल गया होगा, इसके कारण उन्होंने बहुत जोर से खांसी की, उल्टी हुई, नेचुरली पेट भरा हुआ था उस समय। और ये नॉन एस्थमेटिक हैं, इनको एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है स्पेशली विंटर सीजन में, तो उसी कारण एकदम वो उनको चोकिंग सेंसेशन हुआ। और क्योंकि ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एस्थमेटिक है तो ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हुआ, तो थोड़ा सा ड्राउजी थे जब लेके आए थे। कार्डियक इवैल्यूएशन इमीडिएटली इमरजेंसी में हो गया था, ईसीजी को सब नॉर्मल था, तो हमने इवैल्यूएट किया तो वो केवल वो फूड पार्टिकल के कारण जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन था वो था। तो हमने इंजेक्शन दिए और नेबुलाइजेशन किया, ऑक्सीजन दिया। अब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, इनका सेचुरेशन एकदम नॉर्मल 98% चल रहा है, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है, और अभी इन्होंने थोड़ा पानी वानी भी पिया, एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। और अभी कब तक भर्ती रखेंगे, कब तक क्या? देखिए डिपेंड है कि कल तक हम देख सकते हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स में ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कोई दूसरा इवेंट है, बट ऐसा लगता नहीं है, एकदम स्टेबल है अभी। और अभी हम आधा एक घंटे में इनको खाना भी खिलाएंगे एंड अभी ऑक्सीजन की भी मुझे बताया मैंने, ऑक्सीजन अभी 15-20 मिनट से बंद कर दिया है, इनका सेचुरेशन 96-98% चल रहा है, टेकिंग पर ब्लड प्रेशर मेंटेन है, और एकदम आराम सामान्य तरीके से वो सांस ले रहे हैं।